किसी लापता व्यक्ति को मृत घोषित करने के लिए कानून 7 साल तक इंतजार करता है, लेकिन आपदा के शिकार उत्तराखंड की सरकार हड़बड़ी में है। वो अपनों से बिछड़े लोगों को 1 महीने में ही मृत घोषित कर देना चाहती है। आखिर इतनी हड़बड़ी में क्यों है बहुगुणा सरकार? 16 जून की रात और 17 जून की सुबह के स्याह साए को आप शायद ही अपनी जिंदगी में कभी भूल सकें। भूलेंगे तो हम भी नहीं, और न ही भूल पाएगी पूरी दुनिया। इससे पहले शायद ही कभी लोगों ने नदियों का ऐसा खौफनाक रूप देखा होगा। बड़ी बड़ी इमारतों को ताश के पत्तों की तरह यूं गिरते शायद ही किसी ने देखा होगा। उफनती नदियों में बड़ी से बड़ी बसों और दूसरे वाहनों को तिनके की तरह बहते शायद ही इससे पहले किसी ने देखा होगा। न जाने कितने पेड़ पौधे उफनती नदियों में समा गए। उफनती नदियों ने तो पहाड़ों को काटकर बनाई गई सड़कों को भी अपने आगोश में ले लिया। इन बेजान चीजों की बात तो छोड़िए, आसमान से उतरी आफत ने न जाने कितने घरों का वजूद खत्म कर दिया। देखते ही देखते हजारों लोग नदियों में समा गए। किसी माँ ने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते देखा। किसी माँ के हाथ से उसके बेटे का हाथ छूट गया। न जाने कितनी ही महिलाएं अपने पति को विकराल नदियों में समाने से नहीं रोक सकी। कितने घर उजड़ गए, कितने अपनों से बिछड़ गए, कितनी ही सांसों की डोर टूट गई, लेकिन इतना सब होने के बावजूद एक उम्मीद बची है। लोगों को लगता है उनके अपने जरूर लौटेंगे। देहरादून हो या उत्तराखंड के दूसरे आपदा शिकायत केंद्र, अपनों की तलाश में पहुंचने वालों की भीड़ अब भी वहां जुट रही है। लोग सरकार से अपनों की तलाश की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू करने में कई दिन लगा देने वाली बहुगुणा सरकार अब हड़बड़ी में है। वो लापता लोगों की तलाश करने की जगह उन्हें मृत घोषित करने की जल्दी में है। मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान भी कर दिया है। शासन ने निर्णय लिया है कि 30 दिन तक यदि व्यक्ति जो लापता है वो घर नहीं पहुंचता तो हम उसको प्रिज्यूम करेंगे कि उसकी शायद मृत्यु हो गई है, और केवल जो मुआवजा देना है, जो कंपनसेशन देना है हमको, उसके मानकों के अनुसार हम उनको उनके परिवार से एक बॉन्ड भरवा के उनको कंपनसेशन दे देंगे। 15 जुलाई के बाद 16-17 को त्रासदी आई थी। 15 जुलाई के बाद ये पीड़ितों को मुआवजा देने की जल्दी है या आपदा प्रबंधन को लेकर रोज रोज हो रही आलोचनाओं से बचने की तैयारी, ये तो बहुगुणा सरकार ही समझ रही होगी। लेकिन सरकार जितनी जल्दी में है उससे उसकी मंशा पर सवाल तो उठते ही हैं। कानून भी लापता होने वाले व्यक्ति को 7 साल तक जिंदा मानता है, फिर सरकार इतनी जल्दी में क्यों है? अपनों की तलाश कर रहे लोगों के जख्मों पर मुआवजे का मरहम ही लगाना हो तो लापता लोगों को बिना मृत घोषित किए भी हो सकता है। आखिर सरकार मदद करना चाहे तो उसे रोक कौन सकता है? लेकिन सरकार की जल्दबाजी अपनों के लौटने की उम्मीद बांधे लोगों के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम करेगी, न कि मरहम का। ब्यूरो रिपोर्ट।